ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 3 अक्टूबर 2020। आज बाबा ने मुरली में सार रूप में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है, अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन हैं, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर नहीं लग सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए सार कहा, उसमें पहला है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, फ्राक दिल बन सर्विस करनी है, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय अर्थात पैगाम देना है। आज बाबा ने मुरली में वरदान दिया, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। वरदान का डिटेल है, स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे अर्थात न्यारे रहना, पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व मायाप्रूफ बनने का सह साधन है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतींद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।